कन्नौज में हाथों में बाल्टी लेकर समाजवादी पार्टी के नेता जल निगम कार्यालय पहुंचे। अधूरी जल परियोजनाओं को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बाल्टी प्रदर्शन किया। अधिशासी अभियंता को ज्ञापन देकर जल्द अधूरी जल परियोजनाओं को पूरी करने की मांग की है। योगी सरकार पर कन्नौज के विकास कार्यों की अनदेखी करने का आरोप भी लगाया। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार थी, माननीय सांसद डिंपल यादव जी के प्रयास से कन्नौज में कम से कम 200 जल परियोजनाएं लागू की गई थी। टंकियां बन गई थी, पाइपलाइन बिछ गए थे। कुछ जो बाद में टंकियां बनाने का काम हुआ था, परियोजनाएं, वो जरूर अधूरी थी। जो अधूरी थी वो वहीं पे ठप हैं, और जो परियोजनाएं चालू थी उनमें लीकेज हो गए, बंद पड़ी हैं। कम से कम 100 परियोजनाएं, जल परियोजनाएं बंद पड़ी। समाजवादी पार्टी के शासन में कन्नौज को वीआईपी जिले का दर्जा मिला था, जिसके चलते विकास योजनाओं में कन्नौज का नंबर पहले आता था। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की दिलचस्पी के चलते यहां की विकास परियोजनाओं को प्राथमिकता से पूरा किया जाता था। यहाना के अड़ंगापुर, जलालपुर, जसपुरापुर व चौरा चांदपुर सहित करीब 2 दर्जन ग्राम सभाओं में ग्रामीण पेयजल योजना शुरू हुई थी। सपा नेताओं का आरोप है कि सरकार बदलने के बाद सभी गाँव में कार्य अधूरे पड़े हैं। अधिशासी अभियंता जल निगम को ज्ञापन देकर सपा नेता नवाब सिंह यादव ने जल्द निर्माण पूरा कराने की मांग की है। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से मोहम्मद नासिर के साथ मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जुड़े रहिए अपने शहरों की खबरों के संसार के साथ, पंचौरा न्यूज़ के साथ।